Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बाहरी दुश्मन और भीतर के दुश्मन गुनू जी का एक साथ मालवा में होना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई साजिश? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जब से गुन्नू जी आए हैं दोस्तों, उनपे शक की सुइयां घूम ही रही हैं। सबसे पहले जब द्वारिका पे हमला होना, अच्छी खासी द्वारिका रानी सैनिकों के साथ आ रही थी, हमला होना, हमले में गुन्नू जी का जीत जाना, द्वारिका रानी को प्रोटेक्ट करना और फिर द्वारिका रानी का वहां तक पहुंच जाना जहां पे गुन्नू जी रह रहे हैं, और गुन्नू जी की और सीताबाई की दशा देख के द्वारिका रानी का पिघल जाना, क्योंकि गुन्नू जी को पता था कि ऐसा होगा, ये तो हम देख ही चुके हैं। अब जो नई चीज देख रहे हैं वो ये है कि इस तरफ गुन्नू जी को माफी मिल रही है और उधर दूसरा दुश्मन भी गांव गांव पहुंच गया है। तो गुन्नू जी की एक बात तो आप सबको अभी तक पता ही है, जिन्होंने शुरू से यह धारावाहिक देखा है कि गुन्नू जी किस लेवल तक की साजिशें कर सकते हैं। तो क्या इस साजिश में से उस चीज की बू आ रही है? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दोस्तों, एक तो पहले से ही अंदर हरिपंत घूम रहा है जिसका अभी तो कोई शॉट दिखा नहीं है। कमिंग अप में दिखाया गया कि मल्हार सरकार, देवी अहिल्या, माले राव किसी पूजा के लिए जा रहे हैं, देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो भी बताया गया। तो इसकी इंफॉर्मेशन उस दुश्मन तक पहुंच गई है जिसका कोई भी गुप्तचर अभी तक हमने नहीं देखा है जो वाड़े में सूचना लेके देता हो। इधर से गुन्नू जी को माफीनामा मिल गया है, अब गुन्नू जी को क्या अधिकार मिला है क्या नहीं मिला है वो तो कल की कड़ी में पता चलेगा। मगर गुन्नू जी का इस तरफ आना, हरिपंत का वहां पे होना और बाहरी दुश्मन के साथ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाना, तो ये सब मिलता जुलता नहीं लगता है आपको? क्योंकि गुन्नू जी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जिस दुश्मन ने मालवा पे हमला करने की प्लानिंग की है उस तक इंफॉर्मेशन गुन्नू जी ने ही पहुंचाई है हमेशा, चाहे वो सूरजमल हो, चाहे खंडेराव की मृत्यु का साजिश करना हो, चाहे कोई और हो। शुरू से लेके अभी तक जिन्होंने धारावाहिक देखा है वो गुन्नू जी की इस फितरत से, इस गुण से जरूर वाकिफ है कि गुन्नू जी कितने गुणी है। ये सब करने के लिए, मक्कारी, गद्दारी, ये सब चीजें करने में गुन्नू जी माहिर है। इसीलिए तो देवी अहिल्या ने वो सांप वाली बात कही, क्योंकि वो भी जानती है। तो क्या अभी जो गुन्नू जी का आना है और जो दुश्मन का हमला करना है, क्या ये चीजें जुड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बट ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है, ये इत्तेफाक नहीं लग रहा है। हो सकता है आगे चीजें खुले, मगर अभी जो गुन्नू जी का इस तरह से वाड़े में प्रवेश हो गया है और जो भी चीजें हम सामने देख रहे हैं वो आपस में मिली हुई लग रही हैं दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, आप भी देखते हैं धारावाहिक, आपकी राय भी बहुत जरूरी है, तो जरूर दीजिएगा कि क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।